ऊना में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर नगर परिषद भी अलर्ट हो गया है। वायरस की रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा रेड लाइट, बस स्टैंड, मुख्य बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया गया। इसकी शुरुआत नगर परिषद ने अपने कार्यालय से की। नगर परिषद ऊना की अध्यक्षा पुष्पा देवी की अध्यक्षता में शहर को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। स्प्रे के दौरान सभी से अनुरोध किया गया है कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने अपने घरों में ही रहें। आज आपने सैनिटाइज करने का कार्यक्रम क्या पूरा? आज हमारे बीच में मेरे सभी पार्षदगण और हमारे नगर परिषद के सभी कर्मचारी मेरे साथ मिलकर हमने आज से ट्रैक्टर ट्रैली से स्प्रे का काम शुरू कर दिया है और अब हम किसी कहीं भी अपने नगर निवासियों को स्प्रे की सैनिटाइजर की कोई भी कमी नहीं आने देंगे। पहले भी हमारे लोग करते थे सैनिटाइजर स्प्रे, लेकिन आज हमने ट्रैक्टर से शुरू किया है काम। अब हम सबको यही कहते हैं कि आप तो कोई भी किसी प्रकार की हम तंगी नहीं आने देंगे। स्प्रे का काम हमारा रेगुलर चलता ही रहेगा और इसमें मैं अपने नगरवासियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव परिवार के लोग हैं वो हर टाइम हमें फोन करती रहे, हमारे पार्षद को सभी को फोन करते रहे ताकि हम जल्दी से जल्दी उनके लिए सैनिटाइजर के लिए अपना आदमी भेजकर उनके घरों में सैनिटाइजर करवा दें और अपने जो परिवार में कोरोना पॉजिटिव आता है उनकी बढ़ से बढ़ के उनका सेवा करें ताकि वो जल्दी से जल्दी कोरोना पॉजिटिव से मुक्त होकर अपने परिवार में रहे और हमारे पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अगर हमारे इन लोगों को हमारे पार्षदों के फोन नंबर नहीं मिलते हैं तो हमारे बोर्ड बन चुके हैं, हर पार्षद के वार्ड में एक एक बोर्ड लगेगा। किसी भी पार्षद को आपने फोन कर देना है, नगर वासियों को मेरा कहना है कि किसी भी पार्षद को फोन करेंगे वो तुरंत ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। मैं यह कहना चाहती हूँ शहर वासियों की, अगर हम और आप सभी मिलकर प्रशासन का, सरकार का जो आदेश हमें मिले हैं उनके तहत काम करेंगे तो मेरा मानना है कि हमारा शहर जल्द से जल्द कोरोना पॉजिटिव से मुक्त हो जाएगा। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।